हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन। बेसिकली ये आपके ऑर्गेनिक कन्वर्जन एनसीईआरटी की ही हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी के कन्वर्जन्स हो जाते हैं, मतलब इजीली आप उनको अटेम्प्ट कर पाते हो, मतलब ये नहीं कि आपको लर्न करना पड़े कि मतलब कि क्रैम करके जाओ आप उनको, आप खुद से उनको प्रैक्टिस करते हो और यहाँ पे आपसे खुद से ही कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पेपर में अगर कोई भी कन्वर्जन कैसे भी आ जाए तो 100% श्योरिटी है कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और आज की ये मतलब जो लेक्चर है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने बस किन बातों का ध्यान रखना होता है जब आपने कन्वर्जन करना है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना है आपको कन्वर्जन करने के लिए, कुछ कुछ चीज़ों का। हमने बहुत सारे, आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उसमें तो कुछ भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, तो हम बहुत सारे ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़े बहुत का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने जब कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, मतलब इसको मुझे ये बनाना है, तो आपको सिर्फ उसमें क्या चेक करना है, उसमें रिडक्शन हो रही है, मतलब हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है, स्टेप अप इनटू बहुत सारे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं या डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, तो अब मतलब क्या है इनका, स्टेप अप का मतलब क्या है, एक कार्बन का बढ़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, इथेन से प्रोपेन बनाओ, इथ से प्रोप कर दो, एक कार्बन बढ़ा दो तो स्टेप अप बोलोगे उसको। स्टेप डाउन में क्या ध्यान रखना है, एक कार्बन एटम कम हो जाना, मतलब प्रोप से इथ कर दो। स्टेप अप इनटू मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसको क्या बोलेंगे कि इथ से हेक्स बना दो, इथ से हेप्ट बना दो, मतलब जितने मर्जी कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। फिर डाइजोनियम सोल्ट जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें 2-3 रिएक्शंस ही पड़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंटली यूज हो सकती हैं। आप किसी भी कंपाउंड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप अप के लिए क्या ध्यान रखना है आपने, नाइट्राइल का यूज करना मैं आपको सिखाऊंगी। स्टेप डाउन के लिए ध्यान रखोगे, आप ऊपर ही मेंशन कर दोगे, आपने होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एचबीडी रिएक्शन करनी है। और स्टेप अप विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज किया जाता है, बट आपको ना ध्यान रखना है कि मैं कौन सी रिएक्शन लगाऊं, स्टेप अप करूं, ग्रिग्नार्ड CN डालूं, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करूं, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और वही मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से कौन सी रिएक्शन को कब करना होता है। ठीक है, बेसिकली इन्हीं का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो और CN के ये 3 रूल होते हैं। जो नाइट्राइल है, अगर हम उसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये जो O है, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट पे ऑक्सीजन चला जाएगा और N के साथ 2H आ जाएंगे, अमाइड बन जाएगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और रिडक्शन कराएं, 2H इधर लग जाएंगे, 2H इधर, ये अमाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो CN has the capability to convert it into carboxylic acid, amide and amine. When it undergo hydrolysis, it converted to carboxylic acid. Undergo partial hydrolysis, it converted to amide, and on reduction, it converted to amine. ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट दिया, यहाँ पे फर्स्ट कन्वर्जन दे रखा है, एक बार इसको रब कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब ये है आपके पास ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, CH3 CH2 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 OH, दिस इज ब्यूटेनॉल। और इसको कन्वर्ट किस में करना है, ब्यूटेनोइक, CH3 CH3 CH2 CH2 COH। अगर मैं इसको बिल्कुल ध्यान से देखूं कि इस चीज को बस यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, एक कार्बन और भी अगर हम छोड़ दें तो इधर क्या फर्क दिख रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप मेंशन कर सकते हो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल जब चेंज करते हैं, वो जोन्स रिएजेंट होता है। ये प्रिपरेशन में फर्स्ट ही आपको दे रखा है, जब आप प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करो। तो यहाँ पे डालोगे CrO3, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जोन्स रिएजेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, विच कन्वर्टेड अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ऑक्सीडेशन भी लिख दिया, ये आपको रिएजेंट भी पता लग गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है आपका, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो कैसे कैसे आपको पता लगता रहेगा, आपने क्या करना है। नेक्स्ट है बेंजाइल alcohol to phenyl ethanoic acid. अब कार्बन एटम बढ़ रहे होंगे तो दो मेथड हैं, बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन रिंग और उसके ऊपर लगा हुआ है CH2, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल मतलब OH, इथेनोइक एसिड दो कार्बन ओइक एसिड और अगले वाले कार्बन पे फिनाइल लगा हुआ है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग इसमें भी है CH2 इसमें भी है, बट कार्बन एक बढ़ गया, कार्बन एक बढ़ गया। अब जब कार्बन बढ़ गया ना तो स्टेप अप हो गया। अब स्टेप अप कितना, दो तरह की स्टेप अप थी, एक कार्बन को बढ़ाओ या बहुत सारे कार्बन को बढ़ाओ, ठीक है, तो आप कोई भी मर्जी कर सकते हो, लेकिन ना ध्यान रखना है एक स्टेप अप होता है हमारा CN की वजह से, स्टेप अप होता है CN की वजह से, ठीक है, नाइट्राइल डाल दो। दूसरा स्टेप अप होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ना हैलोजन होना जरूरी है या मैग्नीशियम होना जरूरी है, हैलोजन होना चाहिए या मैग्नीशियम होना चाहिए, और मेरे को ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, कोई हैलोजन नहीं दिख रहा, तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला यूज नहीं करने वाले, हम CN का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने देखना है हो क्या रहा है कन्वर्जन में, यहाँ पे आपको ये कन्वर्जन दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है, बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग है, कार्बन है कार्बन है, ये वाला पार्ट इसमें चेंज हो रहा है और इसमें एक कार्बन बढ़ता दिख रहा है, कार्बन बढ़ता दिख रहा है तो मतलब स्टेप अप हो रहा है। स्टेप अप में CN डालूं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम और हेलोजन होना जरूरी है, तो यहाँ पे वो कुछ नहीं दिख रहा, तो हम CN का ही यूज करने वाले हैं, तो किस तरह से यूज करेंगे अब हम उसको सीखते हैं। तो क्या किया हमने, मुझे पता लग गया कि मुझे CN का ही यूज करना है, ये CN से ही होने वाली है, तो आपने सबसे पहले बस माइंड में सेट कर लेना है कि कन्वर्जन करूं कैसे, कन्वर्जन में यूज क्या होने वाला है, तो ऊपर मेंशन कर दो स्टेप अप हो रहा है, CN ऐड कराना है, CN इस चीज को पहले CN में चेंज करने के लिए SOCl2, ध्यान रखना ये मैं मतलब आपको हमेशा के लिए कोई भी आ जाए OH को CN में चेंज करना है, SOCl2 डाल के Cl बना दो, Cl में KCN डाल दो, K के साथ Cl बाहर हो जाएगा, यहाँ CN आ जाएगा, CH2 CN, और CN के तीन रूल होते हैं, CN के तीन रूल होते हैं, उसमें वाटर डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, तो अभी इसमें वाटर डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो इट इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बन गया ना वही का वही स्टेप अप करने के बाद, ठीक है, हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना है बस कि करना क्या चाहते हो, ठीक, तो करना क्या चाहते हो, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे कि ये कैसे होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बेंजीन दे रखा है, लास्ट से स्टार्ट किया करो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ब्रोमो और थर्ड नंबर पे नाइट्रो, यहाँ पे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 पे नाइट्रो, NO2 को तो कुछ नहीं हो रहा, ऊपर आ गया बेंजोइक एसिड। तो देखो बाकी सारा कुछ सेम है, ये इसके जैसा है, बस BR की जगह COH, एक कार्बन बढ़ रहा है, एक कार्बन बढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टेप अप। अब स्टेप अप की दो कंडीशन, CN डालूं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की दो कंडीशन, हेलोजन चाहिए या फिर मैग्नीशियम चाहिए, हेलोजन तो है ही, हेलोजन तो है ही, तो साफ पता लग गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल सकते हैं। तो मैं इसको अब नेक्स्ट आपको सिखा रही हूँ, बस आपको ढूंढना आना चाहिए स्टेप अप स्टेप डाउन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट या यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कब, जब मैग्नीशियम या हेलोजन हो, हेलोजन दिख रहा है स्टेप अप भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो आपने किसको कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, यहाँ पे ये था NO2 लगा था और मुझे इसको किस में चेंज करना था, सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी NCERT के अंदर मेंशन है, बस आपको लगाना आना चाहिए कि मैं किस चीज़ का यूज़ करूं, ठीक है, किस चीज़ का यूज़ करें। तो BR है, कार्बन बढ़ रहा है, स्टेप अप कैसे, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट का यूज करके करेंगे, तो आप ध्यान रखना कैसे करना है। सबसे पहले बी आर है तो हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं। कैसे बनाना है? एम जी का ऐड करा दो, एम जी और बी आर, ये एम जी इधर आके लग जाएगा। मैग्नीशियम तो था नहीं, बी आर था, तो इसको मैंने रिएक्ट करा दिया मैग्नीशियम के साथ, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद से प्रिपेयर हो गया। अब जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन दे कराते हैं ना, तो ये मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी आए तो वाटर तो वहाँ आता ही आता है। अब ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड लाने के लिए जब आप रिएक्शन भी पढ़ते हो, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपकी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना हो तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, जो आपका ये पार्ट आ गया, जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर लिया है, उसके बाद सॉरी हमने ये NO2 इधर लगाना था थर्ड नंबर पे। आप इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से लिख लोगे। अब करना क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। किस तरीके से सब्स्टिट्यूट होंगे? NO2 को तो NO2 की जगह पे ही रहने देते हैं, ये पूरा पार्ट हटेगा, कार्बन आ जाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और एक मिनट मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ इसको, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये वाली सिंगल बॉन्ड हो जाएगी और ये MgBr पीछे आके लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हुआ। अभी मैंने आपको बोला जो मॉइस्चर हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो हमेशा बहुत रिएक्टिव होते हैं, पानी के साथ बहुत जल्दी, मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। तो वाटर यहाँ पे लिखना ही लिखना है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो वाटर ऐड कराना ही कराना है। अब मैग्नीशियम पॉजिटिव पार्ट होता है, मेटल है, हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्या बन जाएगा? NO2 तो NO2 की जगह पे ही रहा, ये कार्बन ऐसे का ऐसे, डबल बॉन्ड O, ये O यहीं का यहीं, ये MgBr H से रिप्लेस हो जाएगा और बाहर चला जाएगा MgOHBr, बन गया वही का वही कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी आपके लिए मतलब समझना है नेगेटिव पॉजिटिव का सब्स्टिट्यूशन, कि Br दिख रहा था और स्टेप अप करना था, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज बनाना था। कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाने के लिए मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया। अब जो चीज मेरे पास थी वेल एंड गुड, कि मुझे बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट मांगता है? कार्बन डाइऑक्साइड की। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब एक और जो अगला है आपका, ठीक है, आना सब कुछ एनसीईआरटी में सी है, तो एनसीईआरटी की बातें सीख के चले गए तो कोई भी कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दे रखा है? 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन 2 बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो ये भी आपके लिए बस यहाँ से सीखते जाओ कि क्या क्या है, फिर जो भी आ जाए कन्वर्ट कर सको। एसिटोफिनोन बना लेते हैं, ये आपका एसिटोफिनोन हो गया और इसके 4th नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल। अब मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे और 4 पे। ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हो क्या रहा है इस रिएक्शन में? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हट रहे हैं और उसकी जगह ओ आ रहा है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हट रहे हैं और उसकी जगह ओ आ रहा है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन होएगी, ऑक्सीडेशन होएगी, स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा, इन बातों का ध्यान रखो। तो ये पता लग गया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ना ऑक्सीडेशन तो हो रही है, लेकिन आप ध्यान दे रहे हो कार्बन नंबर भी कम हो रहे हैं। यहाँ पे कितने कार्बन थे? 2, यहाँ कितने बच गए? 1। अब ध्यान रखना, मैंने पहले भी समझाया था, KMnO4 और KOH जब इकट्ठे डलते हैं ना, ठीक है, ये दोनों, इनका काम क्या होता है? जितनी मर्जी बड़ी कार्बन की चेन हो, कुछ भी लगाओ, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, या एल्कीन, कुछ भी लगाओ, 3 डिग्री नहीं लेना यहाँ पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, एल्कीन, कोई भी कुछ भी हाइड्रोकार्बन लगे हो, जैसे ये एस्टर भी लगाओ, तो इट कैन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जितनी मर्जी अल्काइल चेन बड़ी हो, ठीक है, तो वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें एल्कीन भी इंक्लूड होती है, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। अभी तो आपने ध्यान रखना है कि क्या 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 चीज कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास साइक्लोहेक्सीन 2 हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन मतलब कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा और हेक्सेन 1 और 6 पे। अब नंबरिंग कर देते हैं। हेक्सेन को मैंने इस तरह से बना लिया 1 2 3 4 5 6। बुक में आपको ये इसी तरह से मिला हुआ मिलेगा। तो बस फर्स्ट नंबर पे और 6 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड था। मुझे इसको इसमें चेंज करना है। अब आप ध्यान से देख रहे हो ये बॉन्ड टूट रही है और उसकी जगह OOH ऐड हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन थे और उसकी जगह ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो रहा है, एल्कीन की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो गया। ठीक है, जैसे वो कार्बन चेन टूट गई थी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ऐसी एल्कीन की डबल बॉन्ड टूट जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड लाने का काम किसका होता है? KMnO4 KOH की प्रेजेंस में। किसका होता है? KMnO4 KOH की प्रेजेंस में। क्लियर है? कर लोगे ना? तो ये अब नेक्स्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपने खुद करना है, बिल्कुल इजी सा ही है। ब्यूटेनल और किसमें चेंज हो रहा है? ब्यूटेनोइक एसिड में। ठीक है, तो आप बताओगे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। इजी सा है। फिर आपने एक रिएजेंट डाल देना यहाँ पे, कर लोगे। तो फिर भी अगर आपसे ना हो तो आप पूछ लेना, वैसे हो जाएगा कि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर उसका रिएजेंट यूज कर लेना। क्लियर है? ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अब यहाँ पे करने के लिए बेंजोइक एसिड इनटू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। हमने इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, मतलब क्वेश्चन में ये आपको समझ आए तो हमें कन्वर्ट क्या करना है? इथाइल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो वो ऊपर से थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। हमें इसका ध्यान नहीं रखना, हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड को इनसे एक एक करके बनाना है। ठीक है, एक एक करके हमें इनको बनाना है। ठीक, तो बेंजोइक एसिड का, एक मिनट मैं इसको दोबारा से, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो आप ध्यान रखोगे बेंजोइक एसिड को हमने बनाना है इन सब का यूज करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इथाइल बेंजीन मतलब CH2 बेंजीन रिंग CH3, इसको हमने चेंज करना है। ये तो बहुत ही इजी है। कार्बन चेन टूट रही है और उसकी जगह क्या आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी पढ़ के आए हो, क्या डालना है? KMnO4 KOH प्रेजेंस में। आप NCERT में चेक कर सकते हो, इस तरह से आपको बनना है। नेक्स्ट है एसिटोफिनॉन, इसको किस में चेंज करना है? सब में करना, तो हमें बेंजोइक एसिड। फिर से वही आ गया, ये तो फिर से वही आ गया। कार्बन की चेन टूट रही है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो क्या डालना है? KMnO4 KOH की प्रेजेंस में। बुक में जब आप करोगे ना तो वो आपको कैसे बताएंगे, पहले पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दिखाएंगे, फिर उसको हाइड्रोलाइज करा के वाटर का H ऐड कराएंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ रिएजेंट बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले उसमें क्या होगा, जब आप बुक में देखोगे NCERT में, तो सबसे पहले मैंने सिर्फ रिएजेंट बताने हैं कि आपको कैसे पता लगे कि ये ऐड कराना है। CH2 CH3 KMnO4 ऐड कराएंगे KOH की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले वो पोटेशियम सॉल्ट बनाता है, पोटेशियम सॉल्ट बनने के बाद उसको हाइड्रोलाइज कराएंगे, तो H आ जाएगा, इधर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, जब इतने सारे कार्बन हो एक COH में चेंज करना है तो KMnO4। इतना बड़ा फंक्शनल ग्रुप लगाओ, COH में चेंज करना है KMnO4। ठीक है, तो बनता पोटेशियम सोल्ट है, वो आप देखोगे NCERT के अंदर से। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं, ब्रोमोबेंजीन को चेंज करना है। ये तो फिर से वही आ गया जो अभी आप करके आए थे। देखो स्टेप अप करेंगे, वही बातें रिपीट होती है, मैंने बहुत बार बता दिया। ब्रोमोबेंजीन किसमें चेंज हो रहा है? बेंजोइक एसिड में करना है। स्टेप अप दिख रहा है, Br की जगह एक कार्बन बढ़ गया। स्टेप अप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ब्रोमो है हमारे पास, अभी पूरा का पूरा पहले किया था। Br Mg के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? MgBr। और Mg किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा, तो वाटर की प्रेजेंस में, जैसे अभी पहले सिखाया, वो किस में चेंज हो जाएगा, COH में। अभी पीछे हम कर चुके हैं, तो वही बात दोबारा से रिपीट हो गई यहाँ पे। क्लियर कर लोगे, जितने मर्जी पार्ट हो, COH चाहिए क्या डालोगे, KMNO4 KOH। स्टेप अप करना है, ब्रोमो है क्या बना दोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ब्रोमो नहीं है तो क्या यूज करोगे, CN, वो भी आगे आएंगे उनका यूज करेंगे। अब है फिनाइल इथीन, मतलब स्टाइरिन का यूज कर रहे हैं, स्टाइरिन दे रखा है आपको। ये इस तरह से फिनाइल इथीन था और इसका एक H हटा के हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से दे दिया। अब आपने इसको चेंज करना है, ये क्या हो गया, दोबारा से लिख लेते हैं एक बारी। CH CH2, एक सेकेंड, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारे पास CH यहाँ पे आएगा, बेंजीन रिंग CH, ये स्ट्रक्चर है, H नहीं आना था वहां पे, वो बार बार H डल रहा था। अब हमने इसको चेंज करना है COH में। ठीक है, तो स्टाइरिन को चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। हो क्या रहा है, ये जितने कार्बन है आपके किस में चेंज हो रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या डालना है, KMNO4 KOH, क्या डालना है, KMNO4 KOH। तो एक ही बात को चार बार रिपीट कर दिया। एक बार हमने सिर्फ पीछे से क्या ही पढ़ते आ रहे हो, स्टेप अप कैसे कराना है, बहुत सारे कार्बन हो उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे चेंज करना है। अभी तक तो एक ही बात रिपीट हो रही है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बेंजीन 2। अब हमें क्या करना है, इन सारे कंपाउंड को, बेंजीन को इन सारे कंपाउंड में चेंज करना है। अब ये देखते हैं कैसे होंगे। तो पहला है मेरे पास बेंजीन और इधर क्या कर दिया इसको, मिथाइल बेंजोएट CH3। ठीक है, तो ये हमने बनाना है यहाँ पे बेंजोएट। ठीक, ये आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बेंजीन 2 मेटा पे नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे हमारे पास, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड, बेंजीन 2 पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब पैरा पे लगाना है COH, पैरा पे लगा देना, ये थर्ड हो गया। फोर्थ है मेरे पास बेंजीन 2 फिनाइल एसिटिक एसिड, ये मेरे पास फोर्थ हो गया। ठीक है, फिफ्थ है मेरे पास बेंजीन 2 पैरा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड। तो ये सारे मेरे पास कन्वर्जन है जो मुझे करने हैं। ठीक है, एक एक करके इन सारों को देखते हैं। तो देखो अब करना क्या है, आपको कन्वर्जन दे दिया बेंजीन से, मैंने पूरे स्ट्रक्चर वहां पे बना के दे दिए आपको। यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर आ चुके हैं, अब हम एक एक करके कन्वर्ट करेंगे। बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे आपको दे रखा है नाइट्रो। ठीक है, ये वाला। अब ना जब आपको इस तरह का कोई कन्वर्जन आ जाए कि कैसे बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी ऐड कराऊं, ठीक है, किस तरह से कुछ भी ऐड कराऊं, तो आपने ना सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, ये कार्बन और ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टिंग है। इन दोनों की जगह देखो तो पैरा पे लगा हुआ है, ऊपर और नीचे ऑपोजिट है, पैरा है। ठीक है, तो मुझे ना कोई एक ऐसी चीज का यूज करना पड़ेगा, और तो मेटा पैरा में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले CH3 को इंट्रोड्यूस करा देना। CH3 इंट्रोड्यूस होते ही, यहाँ पे CH3 का इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना आप, तो आपको क्या पता लग जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा सब कुछ एक्टिव है। CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर लगा कुछ भी एक्टिव हो जाएगा, कुछ भी एक्टिव हो जाएगा, और तो मेटा पैरा कहीं मर्जी लगा लो। अब आपने CH3 को कैसे लगाना है, बेंजीन रिंग लो, बेंजीन रिंग इसमें डालो CH3Cl, ठीक है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में। ये फ्रीडल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां से एक H और यहां से Cl बार, यहां क्या लग जाएगा CH3, CH3 लगा दो सबसे पहले। CH3 के लगते ही ऑर्थोमेटा पैरा तीनों एक्टिव हो गए। अब मुझे इसको यहीं पे रहने दो, NO2 लगा दो, HNO3 डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ आके NO2 लग जाएगा, और जैसे ही NO2 लगेगा अब मुझे क्या करना है, CH3 को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी पीछे पड़ते आ रहे हो, बहुत सारे कन्वर्जन कर लिए, क्या डालोगे KMNO4 KOH की प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। जितने मर्जी कार्बन हो वो तो चेंज कर सकता है, यहाँ पे तो फिर भी एक पड़ा है, तो आराम से वो किस में चेंज हो जाएगा COH में। तो ये तो बहुत आसान था। सबसे पहले आपने फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करी, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से डाला, और ये तो मुझे CH3 इसलिए लाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या था आपके पास ऑर्थोमेटा पैरा में से हमें पैरा पे लगाना था। तो ये NO2 कहीं मर्जी लग सकता है, ऑर्थो पे लगाना हो ऑर्थो पे, पैरा पे लगाना हो पैरा पे, मेटा पे लगाना हो मेटा पे। तो आप एक और कन्वर्जन भी ऐसे कर सकते हो। अभी सेम आपको दे दिया करने के लिए, यहाँ पे बेंजीन को आपने चेंज करना है, बेंजीन को आपने चेंज करना है, यहाँ से बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास NO2, ठीक है। अब आप गैटरमैन-कोच रिएक्शन की तरफ बढ़िए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर CHO कैसे अटैक करेगा, तो ये एक रिएक्शन होती है गैटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसमें COHCl डाल लोगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपके पास ऊपर CHO आ जाएगा। ये रिएक्शन है आपकी गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अब आगे आपने HNO3 डाल देना है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा CHO, यहाँ पे आ जाएगा NO, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आप यहाँ पे सब कन्वर्जन कर सकते हो, आराम से सब कन्वर्जन हो जाएंगी, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ एक बार ये वाली बता देती हूँ आपको, ये वाली कन्वर्जन बता देती हूँ, ठीक है, सब कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे थर्ड बता रही हूँ, बाकी सारी हो जाएंगी। बेंजीन को कन्वर्ट करना है फिनाइल एसिटिक एसिड में, ये हो गया। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक। अब मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचना है, ठीक है। यहाँ से वहां पे आप आराम से देख पा रहे हो कि यहाँ पे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। जब कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास स्टेप अप के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये स्टेप अप आप किस तरह से करोगे, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विद द हेल्प ऑफ CN, या आप ऑक्सीडाइज कराना चाहते हो या आप रिड्यूस कराना चाहते हो, ठीक है। तो ये वाला मैं ना पीछे आपको करा चुकी हूँ एक कन्वर्जन, कि हमने बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड शायद हम पीछे कर चुके हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि आपने करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये मैं आपको फिर दोबारा से कराऊंगी, लेकिन अगर मैं सारे कराती रही तो क्या होगा कि आप इनको क्या करोगे, क्रैमिंग करने की कोशिश करोगे। तो आप ये खुद से ट्राई करना। मैंने बता दिया बेंजीन रिंग के ऊपर आपको ऐड कराने हैं 2 कार्बन, स्टेप अप कराना है, किस तरीके से कराना है, BR का ऐड कराओगे, कैसे कराओगे, एक बार आप खुद ध्यान रखोगे, ठीक है। ट्राई करना, हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कराऊंगी आपको, ठीक। तो मैंने सारे करा दिए यहाँ पे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इजी सा है, फिर आप करो खुद से एक बारी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास इथेनॉल 2। अच्छा, अब ये जब इथ आ गया, इथेनॉल एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड का जब कभी भी एल्डिहाइड हो या कीटोन भी हो सकता है, और उधर दूसरी साइड पे कार्बन का नंबर डबल हो रहा हो, कार्बन डबल हो रहे हो, तो चांसेस होते हैं वो कौन सी रिएक्शन है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक ही बता देती हूँ, बाकी सारे आप खुद से कर लोगे। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ कितने कार्बन है, 2, और ये क्या है एल्डिहाइड, और यहाँ पे देखो ब्यूट 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 नंबर डबल हो रहा है। इसी तरीके से आपकी कोई और भी आ जाए और नंबर डबल हो रहा हो तो आपने ध्यान रखना है, तो वो कौन सी रिएक्शन है आपकी, कौन सी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैं इसमें से आपको थर्ड नंबर वाली बता रही हूँ, बाकी वैसे ही आपने सारी कर लेनी है, ठीक है, वैसे ही आपने सारी कर लेनी है। कार्बन एटम डबल हो रहे हैं और साथ में एल्डोल दे रखा है आपको, तो सॉरी एल्डिहाइड दे रखा है, तो हमने ये बनाना है, ठीक है। तो CH3CHO, इसको 2 बार लिख लो। किस तरह से लिखना है, एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से करते हैं, एक बार उसको देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड हो, एक बार ऐसे लिखा और एक बार अल्फा से हाइड्रोजन निकाल के। सबसे पहले जब आप कन्वर्जन देखने का करो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन करने के लिए हमने, मैं तो आपको डायरेक्ट बोलती जा रही हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन कर लो, तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो भी उसकी कंडीशंस होती हैं, जैसे इसमें बेस डालना ज़रूरी है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन करना मतलब इतना सही नहीं होगा, आपको पहले कन्वर्जन के रूल्स करने के लिए वो सारी रिएक्शंस को गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड खोल दिया और यहाँ पे मैंने अल्फा हाइड्रोजन बार कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब शिफ्टिंग, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3 COH H CH2 CHO। अब मुझे ये बन चुका है। अब मुझे बनाना क्या था, पहले मैं इस स्ट्रक्चर को खोल के बनाया ही नहीं, इसको बना लेते हैं पहले। 1 2 3 4 ओइक एसिड और सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड, तो मुझे इसको इसमें चेंज करना है, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे वाटर का रिमूवल करके आ सकती है, एल्डोल कंडेंसेशन करोगे। यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। और क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऑक्सीडेशन, तो क्या करो CrO3 डाल दो, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ठीक है। ये कन्वर्जन मैंने ये एक पहले भी क्वेश्चन छोड़ा था कि आपने मुझे ये करके दिखाना है, जिसमें एल्डिहाइड को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना था, तो आपको ऑक्सीडेशन उसका आंसर है, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना, PCC डाल देना, कोई भी डाल देना, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, जब आपको एल्डिहाइड दे रखा है और आपको यहाँ पे कार्बन के एटम डबल होते दिख रहे हैं, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन ही होती है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद सिर्फ देख लो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है, आप कन्वर्जन अपने आप कर पाओगे, ठीक है, हो जाएगा ना। तो ये ध्यान रखोगे। नॉट मोर देन 1-2 स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको ना मेंशन करके दे दिया कि एक से ज्यादा स्टेप आपने यूज नहीं करने, ठीक है, और सॉरी 2 से ज्यादा स्टेप आपको यूज नहीं करने। तो प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, और इतना ध्यान रखना है, पहले तो हम जितने मर्जी स्टेप यूज कर सकते हैं, अभी ना क्या है 2 से ज्यादा स्टेप पे मूव मत करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपको ध्यान ना आया तो। प्रोपेनॉन मतलब CH3 डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ पे बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आनी है, मतलब आपको ध्यान से देखो तो साफ पता लग रहा है कि कुछ एलिमिनेट हो रहा है, डबल बॉन्ड हट रही है, H आ रहा है, और देखो सबसे पहले ये O हट रहा है और यहाँ पे H आ रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड आ रही है। O हटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन, रिडक्शन करा दें। सबसे पहले रिडक्शन के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड आप डाल दो। जैसे ही रिडक्शन कराई, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, CH3 C O के साथ H, एक H नीचे CH3। मैंने अब H का, ऑक्सीजन को हटाने के बाद H लगाना था, यहाँ पे H तो आ गया, लेकिन अब आगे क्या दिख रहा है, अब आप ध्यान से देखो, एक H यहाँ से कम हो रहा है और OH यहाँ से कम हो रहा है, क्या बार हो रहा है, वाटर। तो इधर से कर दो रिमूवल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ बीटा एलिमिनेशन। 2 स्टेप में मेरी रिएक्शन कंप्लीट, अगर मैंने रूल्स को ध्यान से देखा तो। इधर से इधर मैंने ध्यान दिया, CS3 में कुछ नहीं हो रहा। C डबल बॉन्ड O पे O की जगह H आ रहा है, मतलब रिडक्शन। मैंने सबसे पहले तो रिडक्शन करा दी। रिडक्शन कराने के बाद क्योंकि दो स्टेप में तो कंप्लीट होनी चाहिए, इधर से उधर देखा तो सिर्फ वाटर ऐड हुआ हुआ है, वो रिमूवल कराना है, तो मैंने वाटर रिमूवल करा दिया विद द हेल्प ऑफ बीटा एलिमिनेशन। तो हो गया ये कन्वर्ट, ठीक है। तो दो स्टेप में भी हो जाएगी, तो सिर्फ ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास बेंजोइक एसिड को आपने चेंज करना है बेंजल्डिहाइड में। ये कन्वर्जन, ठीक है, यही है ना, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि हो क्या रहा है इस रिएक्शन के अंदर, और दो से ज्यादा स्टेप आपके यहाँ पे यूज नहीं होने चाहिए। थर्ड में आपकी एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है बेंजीन टू एसिटोफिनॉन, तो दो स्टेप में इस कन्वर्जन को आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए कि किस तरह से करोगे, क्योंकि कुछ स्टेप अप नहीं हो रहा, कुछ स्टेप डाउन नहीं हो रहा, जितने कार्बन है उतने के उतने ही हैं, और ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जोन सा इजी सा क्वेश्चन होगा ना, वो मैं यहाँ पे आपके लिए स्किप करती जा रही हूँ ताकि आप खुद भी ट्राई करो, ठीक है। अगर मैं ही सारे करके दे दूंगी तो वो डिफिकल्टी हो जाएगी, जो इसमें से मुश्किल लगेगा वो मैं आपको करा दूंगी। फिर से दोबारा, एक पहले दो पहले छोड़ चुकी हूँ मैं, एक ये थर्ड ये वाला कर रही हूँ, मे बी और भी एक आधा कर दूँ। तो जोन सा इसमें से स्किप हुआ वो आपने खुद करना है, फिर भी अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए स्किप किया क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है जो मुझे आपको बताना पड़े। मैं वो रिएक्शंस आपको बता रही हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ऐड कराना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, तो उसको करा रही हूँ। तो ये आप खुद करोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं अब मेरे को और कौन सी बतानी है। अब इथेनॉल टू ब्यूटेनल, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन से आप खुद कर सकते हो, खुद से करना नहीं होगी तो मैं आपको बताऊंगी। बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, ये भी आपसे हो जाएगी, फ्रीडलक्राफ्ट वाली करनी है। बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ से आपके पास सब कन्वर्जन खुद से हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको पीछे बहुत सारी कन्वर्जन इस तरह की करा चुकी हूँ, ठीक। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये पूरा फर्स्ट मैंने करा दिया, मुझे शायद फर्स्ट भी नहीं कराना चाहिए था, आपसे ये खुद से हो जाना चाहिए था। तो ये मैंने आपके लिए स्किप कर दिए सारे, ठीक है। एक लास्ट वाला बता देती हूँ, है तो उसमें भी कुछ नहीं, एक फर्स्ट करा दिया एक लास्ट, फिर भी बाकी के आपने खुद करने हैं। और आपको लगे कि नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा से आपको कराऊंगी, लेकिन आप खुद ट्राई करो। ये आपको कन्वर्जन दे दिया, ठीक है। बेंजोइक एसिड, आइडिया सिर्फ लग जाना चाहिए कि किस तरह से, दो से ज्यादा स्टेप में नहीं, मतलब है तो ये हो ही जाएंगी। मैं आपको इसमें से शायद मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आए सेकंड वाले में, मैं सेकंड वाला भी बता देती हूँ, बाकी आगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो वो आप खुद से करोगे। बेंजोइक एसिड से यहाँ पे आपको मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। तो कैसे कैसे दो स्टेप में मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है, तो ध्यान रखते हैं ये, और मेटा पे लगाना है नाइट्रो। दो स्टेप की रिएक्शन आराम से कंप्लीट होने वाली है। सबसे पहले मैं नाइट्रो लगा दूं। नाइट्रो लगाने के लिए इसको मैं रब करके दोबारा से ही लिखती हूँ। तो देखो, ये मैं आपको लास्ट बता रही हूँ, बेंजोइक एसिड टू मेटा पे नाइट्रो, और यहाँ पे आ गया आपके पास बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले यहाँ पे HNO3 का यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जो कि मैंने NO2 लगा दिया मेटा पे। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब बस एक ही स्टेप बचा है जिसमें कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखो, कार्बन एटम बढ़ नहीं रहा, O की जगह H आ रहा है, O की जगह H आ रहा है, तो मतलब रिडक्शन हो रही है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, होगी दो स्टेप में कंप्लीट, होगी आराम से दो स्टेप में कंप्लीट होगी ना। तो आराम से दो स्टेप में आराम से कंप्लीट होंगी, सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, स्टेप अप, इन सब का ध्यान रखोगे। तो मैं आपको एक बार सेकंड बता ही देती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसे होना नहीं चाहिए अगर पूरी नेम रिएक्शन सबका ध्यान रखोगे तो, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड से हमने बना दिया बेंजल्डिहाइड। वैसे ये आपको खुद से करनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक नेम रिएक्शन यूज हो रही है जो आप ध्यान नहीं रख पाओगे, तो नहीं आती कई बार ध्यान, तो ये बता रही हूँ। ठीक है। तो बेंजाल्डिहाइड बन रहा है तो ये रोजनमंड रिडक्शन हो रही है। सबसे पहले OH को Cl से रिप्लेस कर देना, SOCl2 डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा COCl। अब मुझे इसको रोजनमंड रिडक्शन आपको ध्यान आ जाए PdH2 की प्रेजेंस में जो HCl, यहाँ से आपने क्या करना है, जब आप इसमें रिडक्शन कराते हो एक H के साथ यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा और वहाँ पे चला जाएगा आपका H, ठीक है। ये HH डालते हैं, HCl बाहर हो जाएगा और एक H वहाँ चला जाएगा, CHO बन जाएगा। ये रोजनमंड थी, तो मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगी तो मैंने इसका आइडिया दे दिया, बाकी आप खुद करना, हो जाएंगी। डाउट हो कौन से का डाउट है, नॉट मोर देन वाले 2 स्टेप में किसका कौन सा डाउट आ रहा है वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब एनालिन वाली स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको डाइजोनियम सोल्ट का बताऊंगी मैं कि किस तरह से आपने करना है। बेंजीन टू एनालिन, हाँ जी, तो बेंजीन पे जब कभी भी एनालिन बनाना हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रेशन करानी है। ध्यान से सुनना, नाइट्रेशन 3-4 बार करा चुके हो तो ये, उसके बाद एनालिन बनाने के लिए FeHCl मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन होती है, वो इसको NH2 में चेंज कर देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी सा था, हमेशा इसी से ही आपने बनाना है। अब आपने इस एनालिन को सब्स्टिट्यूटेड बनाना हो, ठीक है, तो एनालिन बना के, अब आपने एनालिन बनाया और उसके बाद इसमें H की जगह CH3 लगाना है, तो CH3 Cl डालो, H के साथ Cl बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा NH CH3। दूसरा भी हटाना हो फिर से CH3 Cl डाल दो, फिर क्या आ जाएगा N CH3 CH3। ये मैंने आपका पहला और दूसरा कन्वर्जन कंप्लीट कर दिया। बेंजीन से ही ये भी बन सकता है लेकिन उसके लिए पहले मुझे एनालिन बनाना जरूरी है, और एनालिन कौन बनाता है, सिर्फ नाइट्रो, तो नाइट्रो से आप इस तरह से बना सकते हो। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, एनालिन से कुछ भी कन्वर्जन करने है ना, कुछ भी कन्वर्जन, तो आप किस चीज का ध्यान रखोगे, एनालिन बनाना है नाइट्रो ले आओ, नाइट्रो के बाद जब एनालिन बन गया उसको क्या करो, जब कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है ना उससे रिलेटेड, तो एनालिन लेके आओ और उसको हमेशा NaNO2 नाइट्रस एसिड डाल दो, 0 डिग्री लिख दो और उसको डाइजोनियम सोल्ट में चेंज कर दो। ये आप ध्यान रखना, डाइजोनियम सोल्ट में चेंज कर दो। डाइजोनियम सोल्ट ना बहुत रिएक्टिव होते हैं। अब आपको जोन सी चीज चाहिए, डाइजोनियम सोल्ट हमेशा ऐसे बनेगा और ये किससे बनेगा, नाइट्रो से, और नाइट्रो किससे बनता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइजोनियम सोल्ट बनते ही। अब आपको उसके ऊपर इसको हटा के क्या चाहिए था, CN, KCN डाल, NaCN डाल दो, KCN डाल दो, तो NaCN डाल दो, NaCN डाला, ये पूरा पार्ट हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा CN। आपको यहाँ पे I चाहिए, बेंजीन रिंग के ऊपर I चाहिए, डाइजोनियम सोल्ट बना पड़ा है, KI डाल दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा I आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी चाहिए हो वो आप ऐड करा सकते हो। सपोज, अब एक चीज का ध्यान रखना, जब आपको क्या चाहिए, डाइजोनियम सोल्ट आपका बन चुका है, डाइजोनियम सोल्ट बन चुका है, एक ही रिएक्शन से बनता है वो ध्यान रख के जाना, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपको OH चाहिए, तो आप क्या डाल दो, NaOH डाल दो, ये नेगेटिव पार्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। डाइजोनियम सोल्ट बना पड़ा है, बनाना आ गया, बेंजीन रिंग खाली करनी है तो आप उसके ऊपर ये ध्यान रखना क्या डाल दोगे, C2H5OH। ये वाली रिएक्शन को ध्यान रख के जाना, बेंजीन रिंग को खाली करने के लिए ये रिएक्शन यूज करते हैं। तो अगर आपको डाइजोनियम सोल्ट बनाना आ गया ना, आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, C2H5OH का यूज करके बेंजीन रिंग खाली कर दो, जो भी चीज डालनी हो आप ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो इसका भी मैं बहुत ज्यादा यूज कराऊंगी आपको, तो ये ध्यान रखना है आपने। मैं आपके फर्स्ट और सेकेंड कन्वर्जन करा चुकी हूँ, अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या हो रहा है, आपको 4 कार्बन दे दिए, बीच में CH2 4, इधर लगा है Cl, इधर लगा है Cl। अब उसके बाद ये ब्यूटेन, 4 कार्बन लगे हैं, ये चेंज हो रहे हैं हेक्सेन NH2 CH2 CH2 CH2, 3 4 5 6 और फिर से लगा हुआ है NH2, तो 4 की जगह छह कार्बन यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया कि इधर से स्टेप अप हो रहा है, दो कार्बन बढ़ रहे हैं आपके, ये Cl इधर चेंज हो रहा है, ये वाला Cl यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्टेप अप करने के लिए यहाँ पे स्टेप अप करने के लिए KCN डाल दो, टू मॉलिक्यूल्स, ये CN में चेंज हो जाएगा, ये CN में चेंज हो जाएगा, CN CH2 4 CH2 4 CN। अब आप इधर ध्यान दे रहे हो, बाकी सारा तो सेम है, ये बीच के 1 2 3 4 ये तो सेम है, बस ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, कार्बन के साथ H लगा है और नाइट्रोजन के साथ, मतलब रिडक्शन हो रही है। तो आप यहाँ पे लिख दो NiH2 की प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं हम, रिडक्शन करा रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाते जाओ, इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। रिडक्शन कराऊं क्योंकि आपको साफ पता लग रहा है, यहाँ ब्यूट है, यहाँ पे ब्यूट लिखा हुआ है, ये ब्यूट लिखा है, चार कार्बन है, चार कार्बन है, यहाँ पे हेक्स लिखा है, तो ज्यादा छः हो रहे हैं, तो स्टेप अप, और CN डालेंगे और आराम से स्टेप अप हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे ना। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है, अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 3 मिथाइल एनिलीन 2 3 नाइट्रोटोलीन। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एनिलीन और 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, और यहाँ पे 3 पे आप टॉलिन है, टॉलिन को टॉलिन CH3 रहने दो और यहाँ पे NO2 कर दो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे दिया। तो NH2 को हटा के NO2 लगाना है। ठीक है, तो NH2 को हटाने का सिर्फ एक ही काम है, डाइजोनियम सोल्ट बनाना। डाइजोनियम सोल्ट बना दो, डाइजोनियम सोल्ट बनाएगा NaNO2 HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री पे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, N2Cl, और CH3 को तो कुछ नहीं किया। अब जिस चीज में चेंज करना है, N2Cl को NO2 में चेंज करना है, तो उसका रिएजेंट डाल दो। उसके रिएजेंट क्या होते हैं, AgF और NaNO2। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये वाली रिएक्शन आपकी सिलेबस में ना आए, क्योंकि डाइजोनियम सोल्ट से वो रिएजेंट लर्न करना आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपको ध्यान, मैंने बता दिया एक बारी, जब कभी भी आपने NH2 को चेंज करना है किसी भी चीज में, तो आपको डाइजोनियम सोल्ट बनाना है। NH2 किसी भी चीज में चेंज हो रहा हो तो डाइजोनियम सोल्ट बनाना। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये लर्न कर सको कि डाइजोनियम सोल्ट बनाना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब आगे आपके पास अगले कन्वर्जन में क्या कर रहे हो, तो डाइजोनियम सोल्ट बनाना है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपने आगे क्या करना है, एनालिन, एनालिन से कुछ भी, एनालिन लिखा हुआ आ गया ना, और वो किसी चीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मींस डाइजोनियम सोल्ट तो चाहिए ही चाहिए, डाइजोनियम सोल्ट चाहिए ही चाहिए। Br, Br और Br, अब मुझे ये लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेटा, जो हमारा NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो मेटा, ऑर्थो के दोनों पे जाएगा। Br2 डाल देते हैं, Br2 वाटर, और सारी जगह पे इस पे हमारे पास ब्रोमो ब्रोमो लग जाएगा। ये तो बहुत इजी सा हो गया, लेकिन आगे उनकी जो कंडीशन लगा दी ना कि NH2 को ही हटा दो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये यहाँ से ये बनाना था, NH2 पे ब्रोमो 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 तो हमने लगा दिए, NH2 को हटाओ। NH2 को हटाने का काम, NH2 को कुछ भी करने का काम डाइजोनियम सोल्ट का है। NaNO2 डाल दो HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री पे, तो N2Cl बन जाएगा। ये बनते ही अब आपने देखना है कि करूं क्या, N2Cl को ही हटाना है। अभी मैं पीछे एक रिएक्शन एक्सप्लेन करके आई थी, C2H5 लगते ही, C2H5OH इथेनॉल डालते ही ये हट जाता है, डाइजोनियम सोल्ट हट जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, NH2 को कुछ भी करना हो डाइजोनियम सोल्ट, वो ये वाली रिएक्शन करेगी, और इसको हटाने का काम अब आपको ध्यान रखना है कौन करेगा, C2H5OH। ठीक है, जब ये डिलीटेड सिलेबस में नहीं था तो ये आता ही आता था, लेकिन अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। अब नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइन। चलो, अभी ये स्टेप डाउन वाली रिएक्शंस आ चुकी हैं आपकी, स्टेप डाउन, यहाँ पे बेसिकली अब हम स्टेप डाउन सीखेंगे। तो इथेनोइक एसिड ये दे दिया, और मुझे यहाँ से मिथेनामाइन बनाना है, मिथेनामाइन। तो एक कार्बन कम हो रहा है, इथ से मिथ, तो स्टेप डाउन करने के लिए होफमैन ब्रोमाइड, तो होफमैन ब्रोमाइड करनी हो ना तो इसको पहले अमाइड बनाओ, तो इसमें डाल दो NH3, H यहाँ से और OH यहाँ से, वाटर का रिमूवल होगा, क्या बन जाएगा CH3 CO NH2। ये बनाना ही बनाना है। जब आपने कार्बन का जैसे स्टेप अप में CN या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हो, स्टेप डाउन में अमाइड बनाना जरूरी है। अब आप पूरा देख रहे हो, सिर्फ CO पार्ट एक्स्ट्रा है और इसको हटाने का काम किसका होता है, होफमैन ब्रोमाइड ने रिएक्शन बताई थी। NaH2 और Br2 डाल दो तो ये इसमें ये बीच का पार्ट CO हट जाएगा। ये बहुत ईजी सा था, सिर्फ मुझे ध्यान रखना कि स्टेप डाउन हुआ, स्टेप डाउन के लिए मैंने ध्यान रखा कि मुझे इस चीज को अमाइड में चेंज करना है। NH3 डालती मैंने अमाइड बनाया, अमाइड में से ये वाला पोर्शन हटाना हो तो होफमैन के दो NaOH और Br2 डाल दो, ठीक है। ऐसी और भी 2-3 रिएक्शन आ सकती है, नंबर चेंज होके मतलब कि ईथ की जगह प्रॉप कुछ भी बोल दें तो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हेक्सेन नाइट्राइल 2,1 अमाइनो पेंटेन, ठीक। तो अब इसको देखते हैं क्या करना है। हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 अमाइनो पेंटेन, तो हेक्स मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ रहा है 1 अमाइनो 3 4 5। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितने कार्बन है 6, यहाँ पे कितने हैं 5, ठीक है। तो मुझे साफ पता लग रहा है कि मुझे यहाँ पे आके कुछ ना कुछ रिएक्शंस करा के चेंज करना पड़ेगा। नाइट्राइल की 3 कंडीशन में पहले एक्सप्लेन करके आई थी। स्टेप डाउन मतलब कि अमाइड चाहिए, CN को अमाइड में चेंज कैसे कर सकते थे पीछे जाके देखोगे तो उसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते थे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते ही यहाँ पे ये अमाइड में चेंज हो जाएगा 3 4 5 और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते ही हो जाएगा इसमें चेंज। अब जब CONH2 में से सिर्फ मुझे CO को हटाना है, क्या डालना है NaOH Br2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो है तो वही का वही, सिर्फ ध्यान क्या रखना है करूं कैसे। स्टेप डाउन तो हो ही रहा है, हेक्स से पेंट तो हो ही रहा है, अमोनिया से मैंने अमाइड बनाया, अब नाइट्राइल से भी अमाइड बनाना आ गया, कैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि किस तरह से करना है। नेक्स्ट है आप स्टेप अप हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है अब अगले में, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, देखो कार्बन बढ़ गया एक CH3OH और यहाँ क्या हो गया CH3COH, कार्बन एटम बढ़ गया। पहले SOCl2 डाल के इसको Cl में चेंज कर देते हैं, CH3Cl, फिर CN डाल के CN में चेंज कर दिया। अब इसके अंदर वाटर डाल दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, पार्शियल पे तो अमाइड बनता है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब किस में चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सेम बातें बार बार रिपीट होंगी, सिर्फ आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इथेनामाइन से स्टेप डाउन की रिएक्शन आ रही है। इथेनामाइन से मिथेनामाइन, इथेनामाइन से मिथेनामाइन। इथ मतलब CH3 CH2 NH2 और यहाँ पे CH3 NH2, ये आपको दे दिया, ठीक है। स्टेप डाउन मतलब मुझे इस चीज को COOH में इस पार्ट को यहाँ से हटाना है, इस पार्ट को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे वो आपको सोचना है कि किस तरह से मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटाऊं। स्टेप डाउन ही हो रहा है, उसके लिए मुझे इसको अमाइड बनाना पड़ेगा। अमाइड वाली रिएक्शंस कैसे करें वो आपको सोचना है, ठीक है। बहुत सारे मेथड हैं, आप जिन मर्जी का यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने चलो ये मैं आपको एक बार ये वाला खुद ही ट्राई करवा देती हूँ कि किस तरह से होगा, लेकिन अगर कोई और आए तो आपको देखना है, ठीक। तो सबसे पहले डाइजोनियम सोल्ट को यहाँ पे बना लेते हैं NaNO2HCl। अब 0 डिग्री नहीं लिखना, जब बेंजीन रिंग होती है तो यहाँ पे 0 डिग्री लिखते हैं, अब नहीं लिखना। तो ये डाइजोनियम सोल्ट में चेंज हो जाएगा। डाइजोनियम सोल्ट में डाइजोनियम सोल्ट बना लेते हैं पहले CH3 CH2 N2Cl। अब इसमें वाटर डाल देते हैं या बेस डाल देंगे तो CH3 CH2 OH, ये आ चुका है, ठीक है। मैंने ये बना लिया। अब मुझे अमाइड चाहिए। अमाइड बनाने के लिए ना सबसे पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा के KMnO4 डाल देते हैं या जोन्स रिएजेंट डाल देते हैं, CrO3 H2SO4, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। आप जैसे मर्जी कन्वर्ट करो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे इसको, अब तो सेम हो गया, अमाइड पहले भी कर चुके हो, ये आ गया। अब इसको आपने क्या कर देना है, NH3 डाल देना है, यहाँ अमाइड बन जाएगा। अमाइड बनाने के बाद होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दो, बीच का ये पार्ट हट जाएगा। मे भी आपको बुक्स में ये किसी और तरीके से मिले, ठीक है, लेकिन वही है कि वहाँ पे आपको वो सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि पहले इस पार्ट को हटाने के लिए मैंने डाइजोनियम सोल्ट बना दिया, वो बनाना आता है, OHR डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो आप इसको किस मर्जी तरीके से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपसे इथेनोइक से प्रोपेनोइक एसिड खुद से हो जाएगा, बाकी सारे आप खुद से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ठीक है, यहाँ से अगर फिर भी आपको लगे कि आप नहीं कर पाओगे तो आप मुझे बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। देखो ये नाइट्रोबेंजीन और यहाँ पे आपको दे दिया बेंजोइक एसिड। जब कभी भी ऊपर एन आ गया ना, उसको काम हलाने का सिर्फ किसका है, डाइजोनियम सोल्ट का। पहले इसको एनालिन में चेंज करो, NaNO2 HCl डाल दो, एरोमेटिक रिंग है तो 0 डिग्री लिख दो। ये आपका, पहले मुझे यहाँ पे एनालिन बनाना जरूरी है, तो सबसे पहले FeHCl, यहाँ पे एनालिन बन जाएगा। अब 0 डिग्री पे NaNO2 डाल दो HCl की प्रेजेंस में, तो ये डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा। डाइजोनियम सोल्ट बनते ही अब इतना काम पहले आपने कर लेना है, डाइजोनियम सोल्ट बना लेना है। डाइजोनियम सोल्ट बनाती देखो स्टेप अप होता दिख रहा है, इधर Cl, इधर कार्बन नहीं था, उधर दिख रहा है। स्टेप अप का काम किसका होता है, Cn का। डाइजोनियम सोल्ट बनते ही इसमें डाल दो KCn, Cn इधर आ जाएगा, Cn आ जाएगा, और Cn के अंदर पानी मिलाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। फिर अपने आप ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें, ठीक है। तो एन वाली रिएक्शंस को हिलाने का काम डाइजोनियम का है। एनालिन होना चाहिए और एनालिन के लिए नाइट्रो होना चाहिए, और नाइट्रोबेंजीन रिंग पे सबको लगाना आता है, ठीक है, तो आता ही होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से एनालिन, ये मैं आपको थर्ड बता रही हूँ। बेंजोइक एसिड से एनालिन, ये मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके लिए, और जो मुझे लगे कि यहाँ से आपको दिक्कत आ सकती है वो बता दिए। बेंजोइक एसिड से एनालिन। अब मुझे NH2 चाहिए, आपको क्या दिख रहा है, ये जो एक एक्स्ट्रा कार्बन था ना, ये हट रहा है यहाँ से। इसको हटाने का काम किसका है, स्टेप डाउन, मतलब होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कार्बन कम हो रहे हैं ना, तो पहले इसके अंदर कितनी बार रिपीट होगी, NH3 डाल दो, इधर बन जाएगा CONH2। अब इसके अंदर NaOH डाल दो, Br2 की प्रेजेंस में, उधर आ जाएगा NH2, ठीक है। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम आराम से करते रहो तो हो जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिर्फ रूल्स का ध्यान रखो, रूल्स, इनके अंदर रूल्स क्या लगने वाले हैं, ठीक हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट करते हैं एनालिन से बेंजाइल अल्कोहल, ये मैं आपको लास्ट वाली बता रही हूँ, बेंजाइल अल्कोहल। तो मुझे NH2 के ऊपर कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं ये लगा सकूं, और NH2 के ऊपर कुछ करने का मतलब है डाइजोनियम सोल्ट बना दो, NaNO2। अब तो इतनी बार लिख लिया, अब तो सबको ही पता लग जाएगा कि डाइजोनियम सोल्ट बनाते ही सारी रिएक्शन पॉसिबल होती हैं, इसलिए वो करना जरूरी है, डाइजोनियम सोल्ट। अब डाइजोनियम सोल्ट बनते ही मुझे इधर इसको हटा के कार्बन चाहिए, तो पहले क्या करते हैं, स्टेप अप के बाद यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे क्या कर लेते हैं, KCN डाल देते हैं। KCN डालते ही यहाँ CN आ जाएगा, CN आ गया, CN को पानी में मिलाएंगे, पहले वाली रिएक्शन आ गई। ये तो बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान से देखते हो तो मुझे क्या चाहिए, कार्बन तो बढ़ गए, अब सिर्फ ओ की जगह एच आ रहा है, ओ की जगह एच आ रहा है, मतलब उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, सॉरी हाँ रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन के लिए क्या कर देना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है। अगर आप उसको एन को हटाने का काम डाइजोनियम, डाइजोनियम को कार्बन बढ़ाने है CN, CN पे वाटर डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना दिया स्टेप अप के साथ, ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेंजामाइड से टॉलिन। ये आपको दे दिया बेंजामाइड और मुझे इसको किसमें चेंज करना है, टॉलिन। अब पता तो लग ही रहा है कि कार्बन यहाँ से ये पूरा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ना इस पार्ट को यहाँ से हटाते हैं, फिर हम CH3 को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें से ये चीज को हटा देती हूँ। तो कैसे हटाएंगे, NaOH Br2 की प्रेजेंस में, जब हमें पता है हम इनको हटा सकते हैं, तो ये NH2 हट गया। अब NH2 को भी हटा देते हैं, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डाइजोनियम सोल्ट Br2 की प्रेजेंस में, सॉरी HCl की प्रेजेंस, डाइजोनियम सोल्ट बनाना है NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में डाइजोनियम सोल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सोल्ट का भी कुछ काम नहीं लग रहा, इसको भी हटा दो C2H5OH डाल के, तो डाइजोनियम सोल्ट से अब बेंजीन रिंग खाली होगी। अब फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कर दो, कैसे, CH3Cl की प्रेजेंस में लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे H के साथ Cl बाहर हो जाएगा और CH3 इधर लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वहां पे सोचना पड़ेगा कि करूँ क्या, इसको हटा दूं, हट सकता है, हट सकता है तो हटा दो, इसको हटा दूं, हट सकता है, डाइजोनियम सोल्ट बना के हट जाएगा तो हटा दो, फिर आपके पास सिंपल सा फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एनालिन टू ब्रोमो एनालिन। एनालिन से पैरा पे ब्रोमो लग रहा है और यहाँ पे, अच्छा ये आपके लिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है। एनालिन पे ना जब हम Br2 डालते हैं, Br2 डालते हैं, तो ये आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो Br2 जब वाटर की प्रेजेंस में डलता है ना, तो वो ऑर्थोमेटा पैरा तीनों पे लग जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थोमेटा पैरा तीनों पे लग जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये इसको एक्टिव करके यहाँ लगा देगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ 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 सारी जगह आ जाएगी। क्वेश्चन में बोल दिया सिर्फ पैरा पे लगाओ, तो मतलब हमें ये जो ऑर्थो है इनको कंट्रोल कराना पड़ेगा। कंट्रोल्ड मतलब यहाँ पे ब्रोमिनेशन जो हो रही है वो कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड करने के लिए तो ये वही क्वेश्चन है कि जब अगर आपके पास आ जाए कि सिर्फ एक जगह पे लगाओ, कैसे कंट्रोल करोगे, तो जब एनालिन को कंट्रोल करना है तो हम उसके अंदर क्या डालते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड पिरिडिन की प्रेजेंस में, तो वो कंट्रोल होके सिर्फ पैरा पे लगेगी। ऐसा क्यों हुआ, मैं इसको फिर से वही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये यहाँ से जाएंगे, इधर शिफ्ट होंगे, पैरा पे जाएंगे और इधर जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, इधर शिफ्टिंग होने की बजाय इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, इथेनोइक एनहाइड्राइड डाल दिया, और जैसे ही इथेनोइक एनहाइड्राइड डाला, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन से ना आके इथेनोइक एनहाइड्राइड की तरफ चली जाती है, और जब उधर जाएगी तो उधर प्रोडक्ट जो सारी जगह मेटा ऑर्थोमेटा पे लग रहे थे वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी, तो वो कहाँ पे आके लगेगा, ब्रोमीन पैरा पे आके लगेगा। तो हमें किसका ऐड कराना होता है, इथेनोइक एनहाइड्राइड का। अब फिर क्वेश्चन ये भी मैंने आपको बताया था कि पिरिडिन क्यों डाल रहे हैं, तो जब यहाँ पे आके इस रिएक्शन को करते हैं, यहाँ से क्या बार हो जाता है, CH3COOH बार होना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक के थ्रू CH3COOH बार होगा, जो कि एक एसिड है, और उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेस की, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हो रही होगी, यहाँ पे क्या होता है, CH3COOH बार हो जाएगा, CH3COO और एक H यहाँ से लेगा, CH3COH बार, यहाँ से CH3COO एक H यहाँ से लेके CH3COH बार, वो पिरिडिन के अब ये एसिड है, रिएक्शन खराब कर देगा, तो पिरिडिन बेस उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, रिएक्शन कंट्रोल होगी वो पैरा पे आके लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये आपको डालना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ से आपके जो कन्वर्जन थे ये लास्ट वाले मैंने 3 आपको करा दिए। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है एनालिन। यहाँ पे एनालिन ये तो बहुत इजी है, पहले नाइट्रो बना दो HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पे आके आपके पास यहाँ पे NO2 लग जाएगा। अब प्रेफर्ड रिएक्शन FeSCl डाल दो तो वो रिडक्शन होके किस में चेंज हो जाएगा NH2 में। ये भी आपका हो गया। तो अब मेरे हिसाब से आप सारे कन्वर्जन कर लोगे, ऊपर वाले स्टेप डाउन स्टेप अप वाले हो गए हैं तो ये कन्वर्जन हो जाएंगी आपसे। फिर भी अगर आपको लगता है, इन केस आपको लग रहा है कि मुझसे ये वाला कन्वर्जन नहीं हो रहा है, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो चेक करो ऑक्सीडेशन कराऊं रिडक्शन कराऊं, पहले NCERT पढ़ो कि कौन कौन से उसमें कन्वर्जन है, कौन कौन सी नेम रिएक्शन का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद चेक करो ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट डालू, रिडक्शन डालू, स्टेप अप कराऊं, स्टेप डाउन कराऊं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालू, या अभी हमने डाइजोनियम सॉल्ट पढ़े उससे, डाइजोनियम सॉल्ट से तो कन्वर्जन हो ही जाती है। ये सब करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रही है तो आप मुझे बता दो, मैं उसको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो आप ये सब कर लेना, कुछ भी हो तो पूछ लो। इनको करने के बाद आप सारे कन्वर्जन कोई भी आपका आ जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना। ठीक, ओके, थैंक यू।